किशनगंज से खबर है जहां एमजीएम मेडिकल कॉलेज के सर्वर पर साइबर अटैक हुआ है। हैकर्स ने मेडिकल कॉलेज के करीब 3 लाख डेटा को हैक कर लिया, जिसको लौटाने के नाम पर अब बिटकॉइन की मांग की जा रही है। कॉलेज प्रशासन ने किशनगंज एसपी से मामले को लेकर लिखित शिकायत दर्ज कराई है और जानकारी के मुताबिक मेडिकल कॉलेज के मेडिकल रिकॉर्ड और सेंट्रल रजिस्ट्रेशन विभाग का पिछले 1 साल का डेटा हैक कर लिया है। इसके बाद मेडिकल कॉलेज में लगे सभी कंप्यूटर्स ने काम करना बंद कर दिया। अब जब भी मेडिकल कॉलेज में लगे किसी भी कंप्यूटर को चालू करते हैं, एक मैसेज मिल रहा है कि आप इस ईमेल आईडी पर फिरौती की रकम देने की बात करें, तभी आप अपने सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर पाएंगे। साथ ही आपका हैक किया हुआ डेटा भी लौटाया जाएगा। इसके बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने कॉलेज के सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर कंपनी से संपर्क किया तो उन्होंने भी साइबर अटैक की पुष्टि की है। कॉलेज प्रशासन के मुताबिक उनके डेटा काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि मेडिकल काउंसलिंग ऑफ इंडिया, नेशनल मेडिकल कमीशन, सभी को डेटा उपलब्ध करवाना पड़ता है। सिस्टम को रिबूट करके 001 से, क्योंकि हमारा करीबन अप्रैल से होता है हमारा डाटा और अभी चल रहा है नवंबर, तो करीबन 1-3 लाख डाटा जो है उन्होंने हैक कर लिया है। तो हमने अभी फिर से 001 सीरियल नंबर से फिर से अपना हॉस्पिटल का जो है रजिस्ट्रेशन फिर से स्टार्ट किया है। देखिए, हमारे अस्पताल का जितने भी डाटा है वो सब इसी सर्वर में आके स्टोर होता है और जब हैक हो जाता है तो जितने भी डाटा हैं वो सभी के सभी डाटा को वो ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे कि हम एक भी डाटा को एक्सेस नहीं कर पाए हैं, जिसके कारण एक भी मरीज का डिटेल हम लोग पता नहीं लगा पा रहे हैं कि कौन मरीज भर्ती है, किसका क्या इलाज चल रहा है, किसका कौन सा जांच हो चुका है और किसने कितना पैसा जमा किया है। गोपालगंज में एक एनआरआई शख्स की अचानक